पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रही है। कोरोना वायरस के मृतकों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 1,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17,80,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और 4,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो स्थिति और गंभीर यहां पर होती जा रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर यहां पर 1920 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ मृतकों की संख्या 20,000 से ज्यादा अमेरिका में हो गई है। अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या 5,00,000 से ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कोरोना की संख्या 8,000 के पार हो चुकी है। अभी तक 273 लोगों की मौत भी हो गई है। देश का महाराष्ट्र राज्य कोरोना के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 1761 पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 24 घंटे में 187 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए। एक दिन के भीतर मुंबई में 138 नए केसेस सामने आए। दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में रविवार को 166 नए केस अभी तक सामने आ गए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने के बीच देश में लॉकडाउन के बढ़ने के पूरे आसार है। कोरोना से जुड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए प्रीत किरण मेरे साथ में दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, लगातार जो चुनौती का दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। पूरी वैश्विक समस्या ये बनकर उभर चुकी है। भारत में भी अब लगातार 273 मरीजों की इसका संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसी लगातार मरीजों की जो है संख्या बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव नए मामले आते जा रहे हैं, टेस्ट जितने ज्यादा किए जा रहे हैं उतने ही ज्यादा मामले आ रहे हैं। साथ में ही जो मरने वाले जो मरीज है उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं और हॉटस्पॉट के बाद अब नए जो है क्वारंटाइन सेंटर्स भी ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो अस्पताल जिनमें कोरोना का इलाज होगा देश भर में ऐसे 586 अस्पताल बनाए गए हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कोरोना का इलाज होगा। 1,00,000 बेड बनाए गए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए। हर राज्य में अलग से सुविधाएं दी जाएगी कोरोना पेशेंट्स के लिए। आईसीयू अगर बात करें तो 11,500 आईसीयू पूरे देश में बनाए गए हैं जिनमें कोरोना पेशेंट्स को रखा जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो मीटिंग बुलाई गई, तमाम जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की गई है और अपने अपनी तरफ से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से लॉकडाउन का एक्सटेंड करने की ये बात कही जा रही है। पंजाब सरकार ने ये कहा है कि स्कूल जो है, कॉलेज जो है 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हालांकि 30 जून तक बंद रहेंगे और 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। राजस्थान में जो टास्क फोर्स बनाई गई है उनकी तरफ से भी सिफारिश की गई है केंद्र सरकार को कि राष्ट्रीय स्तर पे लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार अलग से अलग स्टेप्स ले रही है। नए जो किट्स हैं, जो रैपिड किट्स हैं, वो राज्यों को मुहैया करा रही है और साथ में तमाम जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं जेपी, वो राज्यों की तरफ से काफी ज्यादा सराहनीय है। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है उसको लेकर तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जी प्रीत, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन यकीनन बढ़ेगा लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, तो क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कब तक की पुष्टि की जा सकती है? क्योंकि लोगों को अगर इस चीज की पालना करवानी है तो आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर होना आवश्यक है। देखिए 14 अप्रैल तक पहले से लॉकडाउन 21 दिन का प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया था। उसके बाद जो राज्यों के साथ मीटिंग हुई, मुख्यमंत्रियों की ओर से लगातार सिफारिश की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पे कोरोना का जो लॉकडाउन है कोरोना को देखते हुए वो बढ़ाया जाए। तो 14 तारीख से पहले केंद्र सरकार की ओर से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी केंद्र सरकार को अगर लॉकडाउन बढ़ाना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार अपने अपने स्तर पे जिस तरीके से तमाम राज्यों ने
ये सिफारिश की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, अपने अपने स्तर पे लॉकडाउन बढ़ाएं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये संकेत जरूर दिया गया है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, जरूरत पड़ी तो केवल 2 हफ्ते नहीं उससे ज्यादा भी लॉकडाउन को देश भर में रखा जा सकता है, क्योंकि जान से ज्यादा देश में किसी और चीज की इम्पोर्टेंस नहीं है, केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये कहा गया। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रीत। पूरे देश भर से आपको कोरोना की ताजा अपडेट हम दे रहे हैं। लगातार यहां पर कोरोना के संक्रमित मरीजों का इजाफा देखने को मिल रहा है। 273 मरीजों की मौत अभी तक देश भर से कोरोना संक्रमण के चलते हो गई है। पंजाब के पटियाला की बड़ी सब्जी मंडी